गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडिंग अबाउट टेंसेस और हमने पढ़ लिया था अप टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 11th नंबर, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द आइडेंटिफिकेशन विल शैल. जैसे हमेशा हम फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर विल शैल का यूज़ करेंगे, बट हम इसमें यूज़ करेंगे एक हैव का भी. इसमें क्या ऐड ऑन हो रहा है? हैव हो रहा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए विल शैल और हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. ही विल हैव इन्जॉयड दिस मूवी. तो हम फ्यूचर के साथ हैव का यूज़ करेंगे. पैसिव वॉइस में हमें पता है हम बीन और बाय का यूज़ हर रूल में कर रहे हैं, और इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे हैव का यूज़. अब नेगेटिव सेंटेंस में वी ऑलरेडी नो सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें नॉट का यूज़ होता है. एक्टिव वॉइस में भी नॉट आ जाएगा और पैसिव वॉइस में भी हम यूज़ करेंगे नॉट का. देन कम टू द नेक्स्ट पेज फॉर इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में हम यूज़ करते हैं विल शैल सब्जेक्ट और हम इसमें क्वेश्चन मार्क फॉर्म करते हैं. तो हम क्वेश्चन मार्क के लिए यूजुअली शैल को फर्स्ट उसमें लिखते हैं. पैसिव वॉइस में भी हम इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और रूल हमारा सेम रहेगा. इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हो जाएगा कि हम नॉट के साथ क्वेश्चन फॉर्म करेंगे. विल ही नॉट हैव इनवाइटेड यू? विल यू नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम? उसके बाद फिफ्थ वन में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव वर्ड्स जैसे वाई, हु, हुम, ये सब ऐड हो जाएगा. बाकी सारे रूल सेम रहेंगे. इंटेरोगेटिव वर्ड वाई है यहाँ पर, विल शैल सेम है, सब्जेक्ट नॉट और हैव बिकॉज नेगेटिव के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव मतलब हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड में आ जाता है हमारा वाई. पैसिव वॉइस में भी पूरा रूल सेम रहेगा. देन ट्वेल्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें यूज़ होता है विल शैल हैव प्लस बीन. इसमें हम देख रहे हैं हैव के साथ बीन का भी यूज़ हो रहा है. पॉजिटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस. फॉर सिंस का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर को जब हम अनफिक्स्ड टाइम के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है? विल शैल हैव बीन सिंस और फॉर. He will have been ploughing my field since morning. Note, there is no need of passive voice in this tense of future perfect tense according to grammar. इसकी कोई भी passive voice नहीं होती है. Negative sentence में हमारा rule पूरा same रहेगा, बस इसमें क्या add हो जाएगा? Not add हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी हम देखेंगे कहीं पे भी पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा हमें. दे विल नॉट हैव बीन लाफिंग एट अस फॉर टू डेज. सो यहाँ पे नॉट का ऐड हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा और ये जो विल शैल है वो आगे यूज़ हो जाएगा. इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन फॉर्म होगा और नॉट का यूज़ होगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन फॉर्म होगा, नेगेटिव का नॉट यूज़ होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड का वाई यूज़ हो जाएगा इसमें. वाई विल यू नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग दैट वर्क सिंस संडे? Now there is one note given here. Dear student, we have done tenses and type number 1 of passive voice. Now come down to type number 2, 3, 4, 5 of voice. तो अभी हमने पढ़ा active voice and passive voice. अब हम पढ़ेंगे type number 2, who type. Active voice, who laughs at you? Passive voice में हम इसको कैसे लिखेंगे? By whom is MR? प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दीज आर सम गिवन एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू रीड अबाउट हु टाइप. इनके सारे रूल्स वैसे ही हैं जो हमने शुरू में पढ़ा है, बस इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं. हु टाइप एंड टाइप नंबर 3 ऑफ वॉइस. तो इन सब में जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं दे आर द टाइप ऑफ वॉइस जिसमें कि यू आर गोइंग टू रीड द voice given on page number 39. And type number 3 of voice है modal type, those sentence which have modal sentence. अब इसमें ऐसी भी voice होती है जिस sentence में modal का use होता है, जैसे कि I can do this work.
तो इसमें मोडाल क्या आ रहा है, दिस दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, ही शुड डू दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय अस, ऐसे करके इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमें सेंटेंस फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द वॉइस यूज्ड एज अ मोडाल. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 12 टेंसेस विच वी हैव स्टडीड. And in the next video, we will continue forward with our type number 4, miscellaneous type, and type number 5, imperative type of voices. Till then, you have to read page number 39 and page number 40 and all these examples of active and passive voice given in modal voice and who type voice. So you can easily make a sentences on active and passive voice. And we will continue forward in our next video.